किचन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की रेसिपी है साबूदाना खीर। तो कैसे बनाते हैं इसको हम देखते हैं, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना मत भूलिए। साबूदाना की खीर बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए वो देखते हैं। यहाँ मैंने 2 ग्लास दूध लिया है जिसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। 1 छोटी कटोरी मैंने साबूदाना भिगो दिया था और ये इस तरह से पूरा लेंगे हम और इस तरह से दब जाएगा पूरी तरह से, मतलब पूरी तरह से भीग चुका है, अच्छे से पूरा गल गया है। यहाँ पर 1 कटोरी साबूदाना लिया था जिसको मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था। यहाँ हमें बिल्कुल थोड़ी सी शक्कर चाहिए, यानी कि 1 कटोरी साबूदाना लिया है तो ये छोटी सी कटोरी आधी मैंने शक्कर की ली है। यहाँ पर 4-5 काजू ले लिए हैं और थोड़ा सा केसर लिया है, किशमिश और बादाम जिसको बारीक काट लिया है। तो हम अच्छे से बॉईल होने देंगे पहले। और बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। दूध अच्छे से बॉईल हो गया है और अब हम इसमें साबूदाना जो भिगो रखा है उसको इसको अच्छे से बॉईल होने देना है। ये देखिए इस तरह से वैसे तो ये जल्दी बन जाती है क्योंकि साबूदाना इसमें पूरी तरह से भीगा हुआ था पहले, लेकिन दूध को थोड़ा टूटने तक हम इसको ऐसी तरह से बॉईल करेंगे। अब हम इसमें बादाम, काजू, किशमिश और जो ये केसर है उसको ऐड कर देंगे और थोड़ी देर और बॉईल होने देंगे। देखिए इसमें साबूदाना पूरी तरह से पक गया है, इसे थोड़ी देर और बॉईल होने देंगे। आप ये पूरी तरह से पक गई है। अब हम इसमें ये शक्कर, एक छोटी आधी छोटी कटोरी शक्कर है उसको ऐड कर देंगे और सिर्फ 2 मिनट और पकाएंगे इसको। रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए। ये गर्मा गर्म साबूदाने की खीर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई करिए, ये कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इसे शेयर करिए। थैंक यू सो मच।